हेलो फ्रेंड्स, आज हम राकेश यादव क्लास नोट्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रतिशत के, ये हमारा पार्ट 6 होगा, जिसमें अपन और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एकदम इजी वे में करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको परसेंटेज चेंज का पूछे तो जो मैं बता रहा हूँ मैथड उसी प्रकार करना है। ठीक है, ओनली परसेंटेज वाली वैल्यू लेनी है। तो हमारा सॉल्व करेंगे मित्रों, तो देखिए 40% क्या दिया हुआ है, 40%। ठीक है, और आपको बताया 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है, तो 40% का मान कितना होगा, 2/5। ठीक है, ये आधा ये आपको पता चल गया। फिर आपको बताया ये तो हमारी जो वास्तविक भुजा है, ठीक है, वास्तविक भुजा वो कितनी है, 5। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, 40%, मतलब 5 का 40% 2 का इंक्रीमेंट हुआ है मित्रों। तो अपन देखेंगे भुजा, ठीक है, हमारा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, क्या होता है, भुजा इंटू भुजा बराबर हमारा क्षेत्रफल एरिया। तो पहले भुजा कितनी थी मित्रों, 5। ठीक है, एक भुजा 5, दूसरी भुजा 5। ठीक है, क्योंकि अपन को बताया कि वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती है, तो ए इंटू ए लिख दिया अपन ने, कितना हुआ क्षेत्रफल, 25। ठीक है, इसी प्रकार अब बढ़ गई है तो बढ़ने के बाद कितना होगा, 7। ठीक है, ये भी 7, तो 7 × 7 कितना होगा, 49। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ, प्लस 24 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 24 का इंक्रीमेंट किस पे हुआ, 25 पे। तो अपन परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 24/25 × 100। ठीक है, और 25 को अपन ने 4 से किया तो, ठीक है, 25 × 100, और अपन 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96%। ये तो मेथड था जो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का। एक मेथड और है इफेक्टिव परसेंटेज, ठीक है, वो किस प्रकार देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं मित्रों। तो यहाँ पे परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई मित्रों, 40% की एग्जीक्यूशन में दिया हुआ है कि 40% की वृद्धि हुई है, तो हमारा 40%, ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मित्रों, वो होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, अगर 2% हो, यहाँ पे दोनों अगर दो भुजा के देखेंगे ना अपन, चार भुजा चार होती है, लेकिन 40% जैसे कि कोई भी अपन देखा कि आयत होता है एल इंटू बी होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसको ए और बी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो मित्रों ये किया अपन 40% + 40 × 40, ठीक है, अपन 100, 40 × 40, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 40 × 40 कितना, 80 + 16 = 96%। इस प्रकार भी आप कर सकते हो, ये सिंपल पड़ता है, लेकिन ये तो अगर जो है परसेंटेज दिया हुआ हो एकदम सिंपल इस प्रकार दिया हो, 60 10 15 20, लेकिन 16 से 2/3% आ जाए, 6 से 2/3% आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों में ये लागू करना, अपना काम करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अपन जो पहले मैंने बताया वही रूल लागू करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों वो आपके सामने ये रहा। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या, ठीक है, 189,000 है, उसमें से 4/5 कितने हैं, 4/9, ठीक है, पुरुष है, यानी कि टोटल कितनी है, 9। ठीक है, ये टोटल हो गई, इसमें से पुरुष कितने हैं, 4। तो अपन यहाँ लिख दिया पुरुष हो गए 4। ठीक है, 4 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी मित्रों, 5। ठीक है, 9 में से 4 गए 5। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर देख रहा कह रहा है कि 50% जो पुरुष है, 50% वो क्या है, विवाहित, यानी कि 4 का 50% कितना होगा, 2। तो 2 को क्या हो गए मित्रों, 2 हो गए विवाहित। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बस जो यही था समझने लायक।
अब देखिए क्वेश्चन पूछा कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है मित्रों, आपको क्या ज्ञात करना है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है मित्रों। तो मित्रों ध्यान रहे, दो पुरुष शादीशुदा है तो किसी महिला से शादी करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर दो महिलाएं भी शादीशुदा होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और दो कितने हो गए, चार। ठीक है, यानी चार जो टोटल है जनसंख्या उसमें चार शादीशुदा है। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये रहा कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, नीचे मैंने लिखे टोटल, ऊपर कितना है, कितना ज्ञात करना है, वो चार कितना आ गया अपन ने, ये विवाहित हैं तो चार लिख दिया ऊपर इंटू 100। ठीक है, तो हमारा मित्रों आंसर आ जाएगा, आपको पता हो, 4/9। 4/9 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी, 44.9%। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल महिलाएं कितनी है, 5, इसमें विवाहित कितनी है आपको मित्रों, 2। ठीक है, 2 लिख दिया ऊपर इंटू 100, तो मित्रों कितना हुआ, ठीक है, 20 और 40%। एकदम इजी है कि नहीं है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे, हम आपके सामने एक क्वेश्चन है ये रहा कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है, अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम 16 से 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव होगा। मैंने आपको बताया पहले कि अगर आपको प्रतिशत चेंज करना है तो जो संख्या दी हुई है 60, 24, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रतिशत चेंज करना है। क्यों, ठीक है, प्रतिशत किस में चेंज करना है, उनकी तनख्वाह में वगैरह जो काम है, तो ये आपको प्रतिशत चेंज करने के लिए आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। तो मित्रों यहाँ दिया हुआ है 40%, यानी कि 2/5, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। फिर क्या कह रहा है, काम, ठीक है, काम का 16 से 2/3 भाग घट जाए, यानी कि 16 से 2/3% घट जाए। 16 से 2/3 का मान क्या होता है, 1/6 होता है, यानी घट जाने का ही लगा दिया। तो आपको पता होगा मित्रों कि अपन का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं या मजदूरी कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे कि कोई आदमी है, एक दिन के 100 रुपये उसकी मजदूरी है, ठीक है, 10 दिन की ज्ञात करनी है तो 1000 रुपये हो जाएगी। इसी पर अपन क्या करेंगे कि जितना काम दिया हुआ है, काम, ठीक है, काम का रुपए घंटा में कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक है, और एक घंटे पहले क्या था कि जो मजदूरी थी, ठीक है, वास्तविक मजदूरी की, यानी 5 रुपये प्रति घंटा थी, ठीक है, कितनी थी, 5 रुपये प्रति घंटा वास्तविक, और काम कितना करना पड़ता था, 6 काम, यानी कि 6 घंटे। और वर्तमान में नया क्या हुआ कि मित्रों मजदूरी क्या होगी, बढ़ गई, कितनी, 40%, यानी 5 का 40% 2 होता है, तो कितना हो गया, 7, ठीक है, और ये काम जो घंटा था ये कितना हुआ, घट गया, काम घट गया, ठीक है, तो पहले 6 था अब घट गया 1, तो कितना रहा, 5। तो अपन ने इसकी अपन टोटल मजदूरी निकाली मित्रों, तो मजदूरी कितनी हुई, 30, ये मजदूरी कितनी हुई, 35। तो यहाँ देखिए मित्रों इंक्रीमेंट कितना हुआ, +5 का, यानी जो परसेंटेज चेंज अपन ज्ञात करना है, किस पे चेंज हुआ, 30 पे, तो 5/30 × 100, ठीक है, और ये हो गया 1 और ये हो गया 6, और 1/6 की वैल्यू आपको बताया 16 से 2/3% होती है, कितनी होती है, 16 से 2/3%, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 16 से 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। बस एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम समय के अंदर आप आंसर दे दोगे। इस देखो ये भी उसी से हो जाता है, किससे, जो मैंने आपको इफेक्टिव परसेंटेज बताया है, लेकिन यहाँ पे 16 से 2/3% है, ये यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाती, इस कारण ये बेस्ट मेथड कौन सा है, यही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 3/7/4 से गुणा कर देता है
तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव आया। देखो आपको बदलाव ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि वास्तविक क्या है 3/5, ठीक है, लेकिन गलती से कितना करता है 7/4 से गुणा कर लेता है। गुणा करना था उसको 3/5 से और उसने कर दिया 7/4 से। तो इसके अलावा कुछ नहीं करना है मित्रों, बस आपको ये 5 और ये 4 इन दोनों का लसप लेना है, ठीक है, और लसप आता है आपको क्या हो गया 5 और 4 20। जितना भी लसप आए इसको दोनों से मल्टीपल कर लेना है, ठीक है, ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 35, ठीक है। यहाँ देखिए मित्रों कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज, यानी कि 12 और ये प्लस 23 का चेंज आ रहा है। ये वो पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज ज्ञात कीजिए मित्रों, तो आपको देखिए किस पे चेंज आ रहा है, 12 पे आ रहा है, तो 23/12 × 100, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार ज्ञात करें 23/12 का, 24 − 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 12, ठीक है ना, 12 के इसमें क्या है 2, ठीक है, क्या है 2 − 1/12, ठीक है, इसका तो ये रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, और 2 का परसेंटेज देखिए कितना होता है 200 मित्रों, और 1/12 की वैल्यू होती है कितनी 8 से 1/3%, ये बता रहा हूँ, ये मैंने आपको याद हो जाएगा अगर आपने पहले देखे हमारे वीडियो, ठीक है। तो आप क्या करना है कि 200 में से डायरेक्ट पूरे एक बड़ा के घटाना है, ठीक है, 9 घटाया अपन ने, तो कितना है 191, ठीक है। अब देखना है, अब जो पीछे 3 में से 1 घटाया कितने 2 और नीचे 3 का 3, इस प्रकार ये सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये आपको, ठीक है, ये आपको ऐसे इस प्रकार आप कर सकते हो, कम समय के अंदर आपको लगाना है। नहीं तो आप कैलकुलेशन करते हैं इसके तो क्या करते हैं 2300 फिर आप 12 से भाग देते हैं तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपको इस प्रकार के ट्रिक्स पता हो तो आप बहुत कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं हर जो बनाऊंगा वीडियो उसमें 5 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, बड़े हो या छोटे हो। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है मित्रों ये रहा, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अपन को ये गलती का परसेंटेज ज्ञात करना है, बस परसेंटेज का ज्ञात करना है तो वही करना अपन को। तो क्या क्या 5/3 जो वास्तविक था, ठीक है, और 3/5, तो अपन ने क्या करना है, हम दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आया मित्रों कितना 15, ठीक है, इसका 15, 3 को 5 से किया, ठीक है, यह आया 25, इसको 5 को 3 से किया, ये कितना आया 9। यहाँ देखिए मित्रों परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है, माइनस का 16, 25 था अब 9 गया, माइनस का 16 हो गया, माइनस का 16 किस पे हुआ 25 पे, तो −16/25 × 100, 25 × 100, ठीक है, और ये अब 4 को इससे 16 से किया तो क्या हुआ −64%, जो क्या हुआ ये गलती का परसेंटेज अपन का आ गया, ये परसेंटेज चेंज हुआ −64%, ये गलती की वजह से इतना माइनस में गया। तो मित्रों ये मैंने अपने आपको मैंने 5 क्वेश्चन से वो सॉल्व कराए, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। मैं कह रहा हूँ हम जितने भी पार्ट डालते हैं आप उनको शुरू से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बीच में से एक छोड़ोगे या कर नहीं देखोगे क्वेश्चन तो आपकी गलती होने के स्थान से हो सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।